अच्छे से याद है, मतलब बनना तो मम्मी की तरह चाहते थे, प्यार पापा से ज्यादा। तुम्हें पता है 3 से 6 साल के लड़के भी ऐसा भी कुछ फील करते हैं? लड़के भी मम्मी की तरह पेपर करना चाहते हैं क्या? एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली ना अपनी मम्मी के प्यार के लिए इंडियस होते हैं अपने पापा से, वो चाहते नहीं है कि उनकी माँ का प्यार बढ़े। अच्छा, वो याद आ गया, हम लोग पढ़े थे ना साइकोलॉजी क्लास में, ये प्रायर की थ्योरी है ना? हाँ, प्रायर ने ये कहा था कि 3 से 6 साल का जो बच्चा होता है वो सेम सेक्स पेरेंट के प्रति नफरत और ऑपोजिट सेक्स पेरेंट के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन रखता है। अच्छा, अगर तुमको याद आ गया है तो तुम बताओ कि सेक्सुअल लाइफ क्या है। तुमको आ गया कि आपको एक कहानी सुनना पड़ेगा, सुनिएगा। हाँ बिल्कुल। एक ग्रीक ट्रेजेडी थी जो कि सोफोक्लीज नाम का एक व्यक्ति था उसने लिखा था। तो जब इसका स्टेज परफॉर्मेंस हो रहा था इस ग्रीक ट्रेजेडी का, तो फ्रायर भी उसको देखने गए, ठीक है। तो जो फ्रायर देख रहे थे तो उसका मेन जो बेसिक थीम था वो ये था कि उसमें एक ऑडिपस रेक्स नाम का एक राजा होता है जो कि उसको पता नहीं होता है, वो बिना जाने मुझे अपने पापा का एक युद्ध होता है दोनों के बीच और उसका वो मतलब वध कर देता है। और फिर जो उनकी रानी होती है उनसे वो जो कि उसकी माँ होती है उससे वो शादी कर लेता है और फिर बाद में बच्चे भी पैदा होंगे। लेकिन जैसे ही ऑडिपस रेक्स को ये पता चलता है कि उसने अपनी ही माँ से शादी करके उससे बच्चे पैदा किए, तो उसको बहुत ग्लानी फील होती है और वो अपनी दोनों आंखें फोड़ लेता है, ठीक है। तो इस कहानी में पता है जैसे ही ये स्टेज परफॉर्मेंस देखे फ्राइ के दिमाग में क्लिक किया गया, अरे यार एग्जैक्टली हमारे रियल लाइफ में, हाँ रियल लाइफ में एग्जैक्टली यही तो होता है कि जो लड़के होते हैं वो अपनी माँ के प्रति सेक्सुअली अट्रैक्टेड होते हैं और जो उसके पापा होते हैं उनके प्रति उसके मन में जलन की भावना होती है, ठीक है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो चाहता है कि मेरे पापा को मार डाले, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मम्मी पापा मतलब आपस में मिल के रहे, ठीक है। तो उसको अवसाद भी पता है क्या होता है, उसके अंदर उसकी ये भावना आती है कि हम अपने पापा को मार देते हैं, ठीक है। उसको ये भी डर जाता है कि ऐसा ना हो यार कि हम मारने का सोच रहे हैं, अब पापा मेरा क्या करेंगे, मेरा जो मेल पार्ट है उसको काट देंगे। तो जी एक जो ये हैट्रिक की भावना है उसको बोलते हैं ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अपोजिट सेक्स पेरेंट के प्रति जो उनकी हैट्रिक की भावना ये ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। और जो उसको ये डर लगता है कहीं मेरा जो मेल प्रोडक्टिव पार्ट है उसको न काट के ले जाएंगे, इसको बोलते हैं कैस्ट्रेशन, ठीक है। अच्छा सॉफी, अब तो आपको कैस्ट्रेशन और ऑडिपस को बता दिए, अब आपको भी पता होगा तो बताइए आपको परफॉर्मेंस बताइए। जैसे कि लड़कों के मन में होता है कि मम्मी के प्रति प्यार होता है और वो पापा को मार डाल देते हैं, कुछ वैसा ही फीलिंग लड़कों में भी होता है, लड़कियों में भी होता है। एक्चुअली लड़कियों को अपने पापा के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, तो उनको ऐसा लगता है कि पापा यूनिक है, उनको उनके पास पेनिस है, उनको पेनिस एक यूनिक ऑर्गन लगता है, उनको लगता है कि चूंकि उनके पास इसकी कमी है तो वो अंदर से इंफीरियर फील करते हैं और इसको कहते हैं इरेक्शन कॉम्प्लेक्स। जबकि उनको ये लगता है कि पेनिस कोई यूनिक चीज है तो उनको जलन होने लगती है, तो ये पेनिस यूनिक है। तो सेम थ्योरी
क्षेत्र था वो हमारा मुख था और जो है ना नाभि क्षेत्र था उसमें जो था वो बच्चा जो निष्कासन के द्वारा मलमूत्र के द्वारा वो अपना अवतार लेता था और जो हमारा शरीर की क्षेत्र था उसमें जो बच्चा था वो लिप्टा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स के द्वारा अपने इच्छाओं की पूर्ति करता था। और इसमें जो है कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं होती है, इसमें जो होती है जो होती है कि जो इच्छाएं होती है वो उदांती तरह की अवस्था में होती पाई जाती है। इसमें जो बच्चा होता है सो क्या करता है कि अपनी लैंगिक इच्छाओं की संतुष्टि जो होती है वो अन्य भिन्न भिन्न प्रकार की लैंगिक इच्छाओं की संतुष्टि के द्वारा वो करता है। जैसे कि वो चित्रकारी करता है, मैथ बनाता है, पढ़ाई करता है, ये सब सारी चीज होते हैं। आप हाँ और क्या करते हैं और एक पॉइंट
पाकिस्तान की कब्रिस्तान जिला इसकी अवधि 3273 टू डेज ऑफ लाइफ होती है। इस अवस्था में जिसको मतलब एक अलग नाम से भी हम लोग जान सकते हैं एडोलेसेंट सेक्सुअल एक्सपेरिमेंटेशन। और इस अवस्था में जो बालक होता है जो किशोर अवस्था में प्रवेश करता है तो वो अपने सेम लिंग के व्यक्ति के साथ उठना बैठना बातचीत करना पसंद करता है जिसे फेमल सेक्सुअल कहते हैं। और जब ये फीलिंग